श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा दूसरे स्थान पर रहते हैं। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बनकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंजन को कोई नहीं खींचता है, वह खुद अपनी ऊर्जा से चलता है, लेकिन डिब्बों को चलाने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है। मेहनत हमेशा परिणाम लेकर आती है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि हम किसी काम को कर सकते हैं। इसलिए उस रहस्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें सफलता का रास्ता दिखाए। किसी मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कठिन परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी सिर्फ कुछ समय के लिए चमकती है, पर ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओ, तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। फलों से सीखिए, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ता है, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वह चीज अवश्य मिलेगी। जो नसीब में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिला, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है या हर दिखने वाला इंसान आखिर में धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े से बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने गम से नहीं, मनुष्य अपनी सोच और व्यवहार से हारता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है। अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो तुम्हें अपने ही गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड है तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में ये सब हमारे अपने ही होते हैं। सच्चा रिश्ता सिर्फ वहीं कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जो लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपको वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाएगी। जहर का भी अपना हिसाब है,
मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को डुबा नहीं सकता जब तक जहाज पानी को अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देते। अगर आपके मन में कोई कमी है तो उसे किसी के साथ भी साझा ना करें, बल्कि उस कमी को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं और वही विजयी होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। ईश्वर ने किसी भी इंसान को समाज की हंसी उड़ाने के लिए नहीं बनाया है। ये वह लोग ही हैं जिनका सामना करके आप मनुष्य बनते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था। वह बहुत ही बड़े सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक निरंतर प्रयास करता रहता था, परंतु उसके पास ना कोई उसका दोस्त था और ना ही कोई मार्गदर्शक। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों से कब बाहर निकलेगा और अपने सपनों को कब पूरा करेगा। फिर भी उसने निरंतर प्रयास किया और अपने आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसने अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चलता है। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए हैं और वहां की शांति, पूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने ये निर्णय लिया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन बीतते गए और उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वह एक अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा और इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेख किए कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वो लड़का जो कभी अपने अकेलेपन को एक रुकावट समझ रहा था, अब वह एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका था। लोग उसे इज्जत देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमारी समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।